Stop, never quit. Never allow anyone to talk you out. तेरी कोई औकात नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, लोगों ने कहा और आपने मान लिया, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। बस एक बात याद रखना, तुझसे तो ना हो पाएगा। तू अपनी औकात से ज्यादा बड़े सपने देख रहा है। जितनी चादर हो पैर उतने ही पसारने चाहिए। जब ये लाइनें आप लोग अपने आसपास वालों से सुनते हो, स्पेशली अपने रिश्तेदारों से और अपने घर वालों से सुनते हो ना, तो हमारी हिम्मत डाउन होने लगती, हमको अपने आप पे एक सेल्फ डाउट आने लगता है, हम ये सोच में पड़ जाते हैं कि मैं किसी लायक भी हूं क्या। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी भी कुछ हुआ है या हो रहा है, तो आज की कहानी बड़े ध्यान से सुनना, ये आपको बहुत काम आएगी। तो हुआ कुछ यूं कि एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था और उस पेड़ पे चील ने अंडे दे रखे थे और उसी पेड़ के नीचे जंगली मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे। एक दिन हवा का बहाव आया और एक चील का अंडा नीचे गिर के मुर्गी के अंडों के साथ मिक्स हो गया। अब समय बीता, अंडे फूटे, वो चील का बच्चा भी बाहर आया, पर वो तो मुर्गी के अंडों के साथ था। अब वो ये सोचते हुए बड़ा हुआ कि वो तो मुर्गी है। अब वो वही करता जो कि मुर्गियां करती थी, वो उतना ही उड़ सकता था जितनी मुर्गियां यूजली उड़ती हैं। और आपको तो ये पता ही है कि मुर्गियां ज्यादा उड़ नहीं सकती। एक बार वो चील का बच्चा जो कि मुर्गियों की तरह पल रहा था, उसने आसमान में चील को उड़ते देखा, तो उसने अपनी मुर्गी माँ को पूछा कि माँ, वो पक्षी कौन है जो बड़े शान से उड़ रहा है। माँ कहती है, बेटा वो तो चील है। तो बच्चा मासूमियत से सवाल पूछता है कि हम लोग इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ सकते। तो माँ कहती है, क्योंकि तुम मुर्गी हो। और ये सोच के कि वो मुर्गी है, सेल्फ डाउट में कभी उसने ट्राई भी नहीं किया ऊंचा उड़ने का, और सिर्फ मुर्गी बनकर वो जीता रहा और एक दिन मर गया। अब इस कहानी का क्या मोरल है, क्या इसका मतलब निकलता है, क्या आप जानते हैं? इस कहानी का मोरल ये निकलता है कि लोगों ने आपसे कहा कि तू नहीं उड़ सकता, तेरी कोई औकात नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, लोगों ने कहा और आपने मान लिया, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। बस एक बात याद रखना कि जीत अगर पक्की हो तो कायर भी लड़ जाते हैं। बहादुर वो होते हैं जो हार का पता होने के बावजूद भी मैदान में डटे रहते हैं। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब यह है कि लोग तुम्हें तुम्हारी असलियत बताएंगे, तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाएंगे, तुम्हें ये कहेंगे कि तू ये नहीं कर सकता, तेरी औकात के बाहर है। उनकी बातें सुन के ना तुम्हें खुद को सेल्फ डाउट आने लगेगा कि तुम्हारी हार निश्चित है, तुम ये नहीं कर पाओगे। उसके बावजूद भी, उनकी बातों को सुनने के बाद भी, अगर तुम अपने सपनों को ना छोड़ो और उसके लिए लड़ो और उसको पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दोगे ना, तो इंसान तो क्या, भगवान भी तुम्हें तुम्हारे सपनों को पूरा करने से रोक नहीं पाएगा। इसलिए जब लोग आपको आपकी औकात बताने की कोशिश करें ना, तो उनको ये कहना कि मैं नहीं बदलूंगा अपने सपनों को अपनी औकात से मेल कराने को, मैं बदलूंगा अपनी औकात को ताकि वो मेरे सपनों से मेल खाएं।